शादी मेहंदी लड़की की ज़िंदगी के वो दिन होते हैं जिसमें वो खुद को किसी फेरी टेल की तरह खूबसूरत देखना चाहती है जिसके लिए वो बहुत सी चीज़ें सोचती है कि उस पर कैसा लिबास अच्छा लगेगा कैसा मेकअप अच्छा लगेगा कैसी ज्वेलरी उसे वेयर करनी चाहिए लेकिन इन सब सोचों के बाद उसको एक और सोच भी आती है कि आया कि अगर मैं ये ड्रेस पहनूँ तो क्या ये मुझ पर सूट करेगी मतलब मेरा कद लंबा है मेरा कद ज़्यादा छोटा है मैं मोटी दिखती हूँ तो शायद मुझ पर ये अच्छा ना लगे जिसके बाद वो कोई फैसला नहीं कर पाती वो अपने फ्रेंड्स से अपनी फैमिली मेम्बर्स से और डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी तस्वीर देख सजेशन लेने की कोशिश करती है मगर किसी हद में फैसले पर नहीं पहुँच पाती अगर आप भी उन्हीं लड़कियों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है हमारी वीडियो में मुख्तु मेहंदी फंक्शंस की लड़कियों की तस्वीर हैं जिनमें लड़कियां लंबी हों मोटी हों छोटे कद की हों हर तरह की लड़की की ड्रेसिंग के लिए आइडियाज मौजूद हैं तो तमाम जानने के लिए तमाम आइडियाज जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शोबे से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें नाजीन पहले तो यूं होता था कि येलो कलर की ड्रेस के साथ लाइट सा मेकअप ना भी किया जाए तो भी मेहंदी के फंक्शंस गुजर जाते थे लेकिन ट्रेंड चेंज होता जा रहा है बिल्कुल वक्त के साथ साथ और अब मुख्तलिफ रंग के कलर्स पहने जाते हैं मेहंदी पे जिनमें पैरट ऑरेंज, ग्रीन और येलो आम हैं इनके साथ मुख्तलिफ कलर के दुपट्टों को कैरी किया जाता है जो कि बहुत एलिगेंट लगते हैं अमूमन आजकल की बात की जाए तो मेहंदियों पर लाइट मेकअप के साथ हीवी ज्वेलरी भी चल रही है और फूलों से बनी हुई ज्वेलरी का भी इस्तेमाल किया जाता है ड्रेसेस में लहंगा शलवार कमीज घरारा शॉर्ट कुर्ती सब चल रहे हैं ये सब सिर्फ इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या वेयर करना चाहती हैं आपकी फ़ैमिली फंक्शंस में किस तरह के लिबास को मुनासिब समझा जाता है क्या आप पर सूट करेगा अब आप पे क्या सूट करेगा इन तमाम तस्वीर को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा अब ये फ़ैसला आप पर है कि आप क्या पहनना चाहती हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह ने कबान शादी मेहंदी लड़की की ज़िंदगी के वो दिन होते हैं जिसमें वो खुद को किसी फेरी टेल की तरह खूबसूरत देखना चाहती है जिसके लिए वो बहुत सी चीज़ें सोचती है कि उस पर कैसा लिबास अच्छा लगेगा कैसा मेकअप अच्छा लगेगा कैसी ज्वेलरी उसे वेयर करनी चाहिए लेकिन इन सब सोचों के बाद उसको एक और सोच भी आती है कि आया कि अगर मैं ये ड्रेस पहनूं तो क्या यह मुझ पर सूट करेगी मतलब मेरा कद लंबा है मेरा कद ज़्यादा छोटा है मैं मोटी दिखती हूँ तो शायद मुझ पर यह अच्छा ना लगे जिसके बाद वो कोई फैसला नहीं कर पाती वो अपने फ्रेंड्स से अपनी फैमिली मेम्बर्स से और डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी तस्वीर देखकर सजेशन लेने की कोशिश करती है मगर किसी हतमी फ़ैसले पर नहीं पहुंच पाती अगर आप भी उन्हीं लड़कियों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है हमारे वीडियो में मुख्त मेहंदी फंक्शन की लड़कियों की तस्वीर हैं जिनमें लड़कियाँ लंबी हों मोटी हों छोटे कद की हों हर तरह की लड़की की ड्रेसिंग के लिए आइडियाज़ मौजूद हैं तो तमाम मालूम जानने के लिए तमाम आइडियाज़ जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शोबे से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें नाज़ीन पहले तो यूं होता था कि येलो कलर की ड्रेस के साथ लाइट सा मेकअप ना भी किया जाए तो भी मेहंदी के फ़ंक्शंस गुजर जाते थे लेकिन ट्रेंड चेंज होता जा रहा है बिल्कुल वक्त के साथ साथ और अब मुख्तलिफ़ रंग के कलर्स पहने जाते हैं मेहंदी पे जिन में पैरट ऑरेंज ग्रीन और येलो